लगा के बोलते बात और जोर से सारा जादू टोना खत्म कर को जाओ उसको छोड़ के। समझ में आया? समझ आया। नहीं आ रहा मुझे, सुनने नहीं आ रहा, जोर से शमशान से करी सो, कब्रस्तान से करी जादू, कहाँ से करी थी बच्ची पे? कब्रस्तान पर करी। खबर कौन से गाँव का कब्रस्तान था वो? गाँव का नाम जल दे। कौन सा गाँव को कब्रस्तान से करी? आंध्रपुर में, जरदूर में, मौलाना आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। जबड़ा उस कुत्ते के साथ में। हाँ लगा सो, पूरी ताकत लगा और जोर से काट को ले लो दोनों हाथा। जबान से बोलाया ना। सही क्या क्या सही सता रहा उसको तो सही है, बहुत सताया सो। अच्छा अब सताएंगा दोबारा? सता था अब सताएंगा? सताती नहीं, सताती नहीं, सताती नहीं, सताती नहीं, नहीं सताती अभी। तू मरे वाली औरत है क्या, जिन्नात की औरत है? कौन है? मैं जिंदा जिंदा है, जादू कर रही उस पे जादू। अच्छा तू कौन से गाँव की, उसके गाँव की है, दूसरे गाँव की है? उसके गाँव कुछ मई उसके गाँव की है। अच्छा उसको लास्ट टाइम कब खिलाई थी, किस चीज में मिला खिलाई थी? गोश्त में दाल को खिलाई। गोश्त में दाल को खिलाई? कब खिलाई थी गोश्त में दाल को? 3 साल पहले। 3 साल पहले? अब 4 माह भी लग गया। अब 4 महीना लगा। जादू करते सो वक्त बच्ची का क्या ले गई थी तू? मैं क्या ले को गई थी? बाल अभी बाला ले को गई थी। हाँ जकड़ो उसको और तेजी के साथ। और बालों के साथ क्या ली थी? और क्या ली थी? और क्या ली थी? कपड़ा भी ले लेगी। कपड़ा भी लेको गई? और कौन सा कपड़ा था, कई का था वो? गंदा कपड़ा था, कैसा था, क्या था? जल्दी बोलना तो पूरा जला दूंगा, पूरा जला को रख करूंगा। हाँ कपड़ा उसके घर से लेके गई थी, बाहर से चुराई थी, कहाँ से चुराई थी? घर में से चुराई। घर में से चुराई। अच्छा कपड़ा कैसा था वो, कई का था? शर्ट का, पैंट का, झालर क्या थी? पैंट का चुराई। हाँ जकड़ो उसको तेजी के साथ में, जकड़ो उसको तेजी के साथ, उसके शोहर को भी करे सो। नहीं शोहर को नहीं करे, नहीं करे। वो दूसरे लोगों ने करे सो शोहर को? नहीं बच्ची कुछ करे। हाँ बच्ची कुछ करे तू? अच्छा तूने बच्ची को किस चीज में मिला खिली लास्ट टाइम? गोश्त का साला। अच्छा कौन सा कपड़ा लेको गई थी उसका? जोर से बोलना जला दूंगा। लाल कपड़ा, लाल कपड़ा चुरा को ले गई थी, बोल के उसके पेट में दर्द हो रहा। अच्छा उसके पेट में दर्द होता था क्या? अच्छा जकड़ो उसको तेज एक साथ में, सारी दवा उल्टी में जुलाब में बाहर निकालना उसकी, समझ में आया क्या? तकलीफा होने देना नहीं उसको, आप अगर तकलीफा हो तो पूरा काट को जला दूंगा। होंगी क्या तकलीफा? हाँ। कौन है उसके ससुराल के तरफ की है, मायके के तरफ की है? ससुराल तरफ। ससुराल तरफ की है? क्या नाम है सो तेरा? बच्ची पे जादू करी तो क्या नाम है तेरा? शाहिदा। शाहिदा कौन है तू उसकी रिश्ते में? मैं आ? उनके जरा दूर वाले नसीब भी नहीं। किसके तरफ से होती, दूल्हे के दुल्हन के? दूल्हे की तरफ। दुश्मनी क्या थी बच्ची को जादू करने की? नो ये घर में आना मुझे पसंद नहीं। अच्छा तेरा उसके मरद का कुछ है क्या चक्कर?
नहीं। फिर तू क्यों जल रही सो वैसा? हाँ मैं उन्हें बच्चे है ना मुझे राजी नोर क्या मैं उन्हें वो बच्चे को मैं शादी कर लेंगे कर लूं। अच्छा तू तू क्या करने लगी शादी क्या शादी क्या क्या बोली सो समझ रहा नहीं मुझे क्या शादी वो लड़के को। अच्छा वो लड़के को तू शादी करने वाली थी आ, अम्मा तू शादी करने वाली थी हाँ उससे शादी नहीं हुई बोल के तूने इसको बर्बाद कर दी इसकी जान लेने को हाँ फिर इसको मार को उससे तू शादी करने वाली अभी जल्दी जल्दी बोल टाइम नहीं मेरे पास सही इनको नहीं तो मैं उनको शादी कर लेंगे। अच्छा तू उसके मार्ग से बात भी करती सो उनको नहीं मालूम खब में आते सुबह। अच्छा उनको भी सता थी सो। अच्छा उनको भी जादू करती तू जमे नहीं सो करने अब इसकी जान ले को फिर उससे तू शादी करने वाली है। वाह रे तुम्हारे बाप का चरा चल रहा कि इसको भी मार के शादी करने को कमा ली से के नहीं हाँ तोबा कर जोर से बोल तोबा और जोर से और जोर से अब देंगी उसके शरीर में तकलीफ हाँ देती अब तू तकलीफ करेंगी उसको नहीं करेंगे जादू करेंगी अब नहीं करेंगे दर्दा देंगी उसको नहीं देती तोबा कर जोर से और अम्मा पूनम को भी जादू कर रही थी क्या तू उसको अम्मा पूनम को ज्यादा करी सो चल तोबा दबा कर जोर से शोहर के साथ लड़ाई तुझ लगा रही इन दोनों के नाच कर रही मैं उनको नाम को नहीं कही बोले ना अरे रे रे अरे रे चार साल से इनको अरे रे चल जोर से दबा दबा कर काट को जला दूंगा नाला आवाज लगा के बोल दबा दबा और जोर से सारा जादू टोना खत्म कर को जाओ उसको छोड़ के समझ में आया समझ आया नहीं आ रहा मुझे सुनने नहीं आ रहा जोर से शमशान से करी सो कब्रस्तान से करी जादू कहाँ से करी थी बच्ची पे कब्रस्तान बच गई खबर कौन सा गांव का कब्रस्तान था वो गांव का नाम जल दे कौन सा गांव को कब्रस्तान से करी आंध्रपड़ में जर दूर में मौलाना आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में तेलंगाना दोनों के बॉर्डर दोनों के महाराष्ट्र उसकी तेलंगाना की आंध्र महाराष्ट्र बॉर्डर कपड़ा कहाँ से लेके गई इसका गंदा घर में से लेके गई दूल्हे के माँ के घर में से तो किसके घर से लेके गई माँ के क्या दूल्हे के माँ के माँ के घर को आपको लेके गई फिर इनके घर को तो तू गई नहीं फिर कैसा लेके गई उनके पास आई नहीं थी कि मौलाना कौन नहीं था इन्हों नहीं थी के मेरे को देखे नहीं मैं अच्छा। गई मैं अच्छा मैं गई छुपको गई छुपको लेके निकल गई हम मिर्च ले लेगी मैं अच्छा कब लेके गई थी कितना टाइम हो रहा ली जाको चार साल पहले ले लेगी मौलाना शादी हो गई बस था अच्छा जब लेको गई थी बच्ची अमल से है तो उनको अच्छा बच्ची जब अमल से थी जब लेको गई तब तो अच्छा जब सातवा महीना सातवें महीने में लेको गई ये बला कर रही थी ना ये हरकतें सब जकड़ो इसको मारो तेजी से
वो तो सब ये इन्हें करा रही थी और ये हरकतें कर रही थी। सुनो ना, अब तुम लायू में सुने ना तुमने सब। चल रहे तोबा कर जोर से, अल्डा के बोल तोबा तोबा। सुने नहीं आ रहा मुझे तोबा। अरे सुने नहीं आ रहा मुझे तोबा। इतनी सी आवाज है खाली तेरी, शैतान नहीं नाला है तोबा। अब देंगी दोबारा तकलीफ? हाँ नहीं, सुने नहीं आ रहा मुझे, जोर से बोल। नहीं नहीं बोलना, नहीं नहीं नहीं, बताएंगी बच्ची को दोबारा? नहीं नहीं, मैं देती हूँ अभी। चल जाती हूँ मैं, चल। अम्मा करी करनी कर डाला? नहीं नहीं बोलना, अभी देती हूँ। उल्टी जुलाब लगा के दवा बाहर निकाल सब, बाहर अभी नहीं, बाहर जानो के बाद। चल दवा कर, चल निकल। हाँ चल जा। ओ कैमरा मैन, इधर मारो कैमरा, जा जा, छोड़ उसको। सब दर्दा तकलीफा सब निकाल दे, जा जा, पकड़ लो पीछे से, कैच करो उसको। चल रे भाग, पानी लो। पानी लो। ये जो मामला है, ये लोग तो समझ रहे थे कोई और करा, वो बोलते ना कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ऐसी बात हो गई। इन्होंने सोच रहे थे कोई और करा, नाम निकला किसी और का, और जो भी निकला जो भी दास्तान है, अब आप देख लो और उसको जस्टिफाई करो कि क्या मामला है, क्या नहीं, कैसी कहानी, क्या दास्तान हुई, क्या माजरा हुआ, कितना इंसान को तकलीफ से गुजरना पड़ता, बोलने को हरा हरा लग जाता कि हमने 5 साल पहले कर दिए थे, 6 साल 8 साल पहले कर दिए, मगर वो 8 साल इंसान की जिंदगी जो उसको गुजरती, एक एक दिन एक एक लम्हा एक एक सेकंड, उससे पूछो जो उससे पीड़ित, जो उसकी तकलीफ में मुब्तला है, जो उससे जूझ रहा है, जो उससे सफरिंग कर रहा है, उसको पूछो कि वो क्या आलम होता है, क्या मामला होती है। ये तकलीफ इतनी ख़तरनाक होती कि जिस्मानी तकलीफ अगर है, तुम फिजिकली प्रॉब्लम है तुमको, कोई भी बीमारी है कुछ भी है, तो तुम उसको जाकर एक मिनट में दवा गोली लेकर राइट कर देंगे। कोई अंग कोई हिस्सा कोई पार्ट तुमको क्या बोलते तो तकलीफ दे रहा बॉडी का, तो तुम उसका सर्जरी कराकर भी राइट कर लेंगे, गोली दवा से राइट नहीं हुआ तो। बट इसकी कहाँ जाकर सर्जरी करेंगे, इसकी कैसी सर्जरी होंगी, कि कौन सी बीमारी है। देखिए ना, ये रूहानियत पे वार है, ये रूहानियत पे वार है। रूहानियत जो है बहुत बहुत ताकतवर भी होती है अगर इबादत करे तो, और नहीं करे तो बहुत कमजोर भी रहती है। और असल वार रूहानियत पे चलता, अमल अमलियात जादू टोना जो है ना, मैं तुमको मेरे जबानी और मेरे दिल के थेरिया नहीं सुनाता, मैं तुम्हारे प्रैक्टिकल में वही बताता हूँ जो अल्लाह उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान के अंदर बयान है, जो हदीसों में है, वो तुमको मैं बताता, मैं मेरे दिल से बात नहीं करता। और देखो लोगों, तुम अपनी जबान को कुरान पढ़ने वाली जबान बनाओ तो ये सब वबाएं बलाएं तुम्हारे से दूर रहेंगे। मैं तुमको ताकीद करता हूँ, मैं तुमको पाबंद भी करता हूँ, बोलता भी हूँ और सिखाता भी हूँ कि इबादत ज्यादा से ज्यादा करो, इबादत की रस्सी को मजबूती से थाम लो, अल्लाह उसकी रसूल की राह पर मजबूती के साथ चलो। ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, तुम अगर लोगों पर रहम ना करेंगे तो अल्लाह भी तुम पर रहम नहीं करेगा। ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। और तुम ऐसा मत समझो कि हम लोगों पर रहम नहीं करेंगे, आज हमारे हाथ में पावर है। अबे कितने दिन का पावर है बे वो, हाँ कहाँ ले जाके चलेगा। सच्चाई अगर हुबहू हो तो अदाकारी नहीं चलती बेटा, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा तुम्हारे जिंदगी तक होगा, वरना किसी खबर के अंदर जमींदारी नहीं चलती। ना चीता पे जमींदारी चला सकते, ना खबर के अंदर जमींदारी चला सकते। समझ में आना, एक दिन है मुकर्रर, इन वो दिन तुमको पूछ कर जाना है वापिस, तुम्हारी सारी ताकतें तुम्हारी दौलत तुम्हारे रुतबे सब फेल हो जाएंगे वो टाइम पे, क्योंकि वो टाइम तुम्हारा मुकर्रर कर दिया था ना वापिस जाने के लिए। हर शय को कुल्लु नफ्सुल ज़ायक़तुल मौत, फिर क्या करोगे उस टाइम पे, जाकर हिसाब देना पड़ेगा भर के एक एक चीजों का, क्या करे कहाँ गए। इसलिए ये जादूगर आए ब्लैक मैजिक ये मजिशियन, इनके नादों को मत लगो, बचो इनसे,
और अल्लाह और उसके रसूल की अतात करो, उनकी फरमा बरदारी करो, कुरान हदीस को फॉलो करो, बुजुर्गान दीन के पास जाओ, अल्लाह वालों के पास जाओ, तुम्हारा दीन ईमान ताज़ा हो जाता वहां जाने से। बाकी तुम चोटों के पास जाएंगे, वो गलिया गलिया हम बैठे वाले चोरा, मैं उनके नाम तो नहीं लूंगा, मेरे को अब मैं क्या बोलूं, जो भी इलाज करने वाला है, जो भी तंत्र मंत्र कर रहा, जादू टोने कर रहा, अपने आप को बड़ा बता रहा, तो वैसे लोगों के पास बिल्कुल जाना नहीं, उनको आता कुछ नहीं हुआ, एकदम लानत बरसती अल्लाह की। और तुम लानत वाली जगह पे जाके तुम बोलेंगे हमको फैज मिलना, तुमको अकल है, तुम्हारे भी पीछे डबर रह जाएंगे लानत के। फैज वहां मिलता अल्लाह वालों के पास, जब रहमत बरसती तो कुछ रहमत के छींटे तुम पे भी गिर जाते और अल्लाह तुमको फैज दे देता। ये बहुत बड़े राज है, बहुत सारे बातें हैं, मैं तुमको क्या बताऊं दिन ब दिन। हाँ हाँ, अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी, आगे फ्यूचर में बन जाएंगी ना भाई। पहले बीपी नापने की मशीन नहीं थी तो तुमको पता ही नहीं था बीपी कितने लेवल पे चल रहा। शुगर नापने की मशीन नहीं थी तो तुमको पता ही नहीं था शुगर कोई बीमारी है। जब शुगर नापने की मशीन आई टेस्टिंग की तो तुमको पता चल रहा कि हाँ शुगर है इतने लेवल पे, बीपी है इतने लेवल पे, हार्ट बीट है इतने लेवल पे। जब उसके मशीन बने तो पता चला। 100 साल पहले जाके पीछे बैक, 100 साल बैक जाके हम बोलेंगे कि बीपी नापने की मशीन लाया हम, या तुम्हारा बीपी इतना, लोग बोलेंगे 100 साल बैक के पागल होगा क्या ये, कुछ भी बात कर रहा है, ऐसा रहता क्या, कहीं का बीपी, क्या शुगर, क्या बीपी, कहीं की हार्ट बीट लाया, क्योंकि पहले मशीनें नहीं थी, साइंस नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं, पता नहीं। साइंस का मतलब खोज, अब तुम खोज करते जाएंगे जाएंगे जाएंगे, जब तुमको पता चलेगा आगे कि हाँ शैतान भी, हाँ जिन्नात भी है तो है, पत्थर की लकीर है, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, सबसे बड़ा साइंस और सबसे बड़ी साइंस वाली किताब कुरान मजीद, पढ़ो तो तुमको समझ में आएगा ना, बाल से बारीक हर बात बता दिया लिए, सारे साइंस और सारे चीजें सब उसमें से निकले आ ले, तारीख उठा के पढ़ लो, दुनिया का हर साइंस को, जो भी चीज को जन्म देने वाला, सर्जरी करने वाला पहला मुसलमान, मशीन बनाने वाला पहला जाबिर बिन हय्यान, हर टेक्नोलॉजी देने वाले दुनिया के अंदर सब मुसलमान थे। कहां से पढ़े थे उन्होंने, कहां से पढ़ के लाए थे सब बातें कुरान से, सब है ना अंदर बाल से बारीक, समझने वालों के लिए नहीं समझ। तो एक वक्त आएगा जब वो भी मशीन बनेगी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को भापने वाली, जो तुम्हारे बॉडी में है नहीं है, निगेटिव ताकतें है नहीं है, जब पता तुमको भी चलेगा, अरे हो इतने लेवल पे नहीं, फिर उसको तुम जब उसको प्रूफ किया जाएगा कि हाँ है ये चीज दास्तान है, बट अभी कहाँ से प्रूफ करोगे, क्योंकि अभी तुम बोलेंगे तो लोग तुमको मेंटल समझेंगे ना, बोलेंगे अभी चल ऐसा रहता क्या, मगर जिस पे बीतती उसको ही पता रहता बोला क्या, जिसको जख्म होता दर्द भी उसको होता, दूसरे लोग सिर्फ उसको मलाल कर सकते, अरे भाई दर्द एहसास नहीं कर सकते, एहसास और महसूस सिर्फ उसको ही होता कि जिसको तकलीफ होती है। बार बार मेरे ये सब बातें तुमको इसलिए बताता कि भाई तुम नेक राह पर और सीधी राह पर चलो, अहदिना सिरातल मुस्तकीम की राह पर चलो, दुनिया और आखिरत सवल जाएंगी लोगों तुम्हारी। और मैं क्या बयान करूं, बहुत सारे बातें हैं बोलने को, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कौन से गांव से आए थे लोग? आंध्र से, विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा। और अब तुम्हारे सामने लायू में है सब बातें, तुम देखो मैंने बता दिया, पूछा दिया लोगों, ये कैसी ताकत है, ये अल्लाह ने दिया अली ताकत है, अल्लाह ने दिया अली दास्तान है, सब तरफ कहीं पे भी हाजिर नहीं होता, मुन्ना मुन्नी और गुड़ा गुड़ी का खेल नहीं है ये, जो जिन्नात को कोई भी हाजिर कर देगा और सवाल कर देगा वो सब भाप लेता तुम्हारे कितने पानी में है। जहाँ अल्लाह वाली शख्सियत है, जहाँ अल्लाह ने कुछ अता कराया तो वहीं झुकते वो, बाकी कहीं नहीं झुकते, क्योंकि वो पूरी दुनिया को झुका देते अपने सामने, देखे नहीं कि सबको बुत परस्ती करने लगा रहे, सबको मूर्तियां वो करने लगा रहे, बना के बुझाओ, वो सब जिन्नात तो करते ना हरकतें, तो बहुत बदमाश और बहुत ताकतवर रहते हैं, अल्लाह ने बहुत सारी ताकतें दिया जी, मगर अल्लाह के कलाम के सामने उनकी कोई हैसियत ना कोई ताकत है, ना अल्लाह वालों के सामने उनकी कोई ताकत है। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार तुम लोगों को, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से आए थे जोर से बोलो? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। ठीक है चलो, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और सारे आलम इस्लाम की और तमाम उम्मत मोहम्मद या फिर तमाम इंसानियत की अल्लाह इज्जत व आबरू की जान माल की मुकम्मल तौर पर हिफाजत करे, ये वबाओं से ये बलाओं से अल्लाह तुम सबको महफूज रखे, क्योंकि ये जिसके घर में घुस जाती ना उसको पता चलता है क्या खतरनाक आलम होता उसके साथ, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। चलो रोक दो।